सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो और चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे बोर्ड मास के संबंधित, इससे संबंधित या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए आपको जरूर मिलते हैं। तो इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो उस गलती को हम दोबारा से किसी भी एग्जाम के अंदर न करें, तो उसे करने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इससे संबंधित लास्ट में आपसे एक SW क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप जरूर देना। तो अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही प्यारा है, तो इसे सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप उसे जरूर देखना। हमने क्वेश्चन लिया है 30 भाग में 10, 30 भाग 10 ब्रैकेट 3 माइनस 4 दिया गया है, 3 माइनस 4 दिया गया है। तो थोड़ा सा हम बोर्ड मास के रूल के बारे में जानेंगे, हमें भाई ये बोर्ड मास रूल के हिसाब से इसको हम सोल्व करेंगे, उसी के हिसाब से ये सवाल निकलेगा। तो बोर्ड मास BOD M ये है बोर्ड मास। B4 क्या ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट 3 प्रकार की होती है इसके अंदर, छोटी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी होती है, और ऑफ होता है का इसमें होती है, इसकी क्या लिखेंगे हम इसमें, यहाँ का मतलब होता है गुणा, हम या गुणा सोल्व करेंगे, इसमें हम भाग सोल्व करेंगे, इसमें हम गुणा सोल्व करेंगे, इसमें हम प्लस सोल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे माइनस सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास इसमें ब्रैकेट लगी होती है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद अगर ऑफ है तो ऑफ की जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे, फिर करेंगे हम इसमें भाग करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे, और उसके बाद है फिर हम माइनस करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल का हिसाब से क्या कहता है भाई, हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले, भाई लेफ्ट हमारी साइड ये होती है, राइट साइड हमारी ये होती है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ही हमारा नियम सही होगा। तो इसको चलो हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां रखेंगे इसमें 30, 30 भाग में 10। देखो हम माइनस करते हैं इसमें से, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, कैसे बताते हैं। अगर 2 माइनस 5 दिया गया है और 3 माइनस 7 दिया गया है, तो इसमें देखो हमारे पास इसमें कौन सा नंबर बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास इसमें। देखो हमारे पास प्लस का 2 दिया गया, माइनस का इसमें 5 दिया गया, यहाँ हमारे पास प्लस का इसमें 3 दिया गया, माइनस का इसमें हमारे पास 7 दिया गया है। तो जो नंबर हमारे पास बड़ा होगा उसी में से बचेगा। देखो इसमें से बड़ा कौन सा, जैसे माइनस का 5 दिया गया, माइनस का 7 दिया गया, तो 5 में से हम इसको घटा देते हैं, 5 में से इसको घटाएंगे, ये क्योंकि ये संख्या किसकी है, प्लस की है, तो हमारे पास इसमें -3 बचेगा, और 7 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो माइनस का हमारे पास इसमें कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसी तरह हम इसमें से घटाते हैं, तो यहाँ हमारे पास इसमें क्या लगेगी, इसमें गुणा का निशान होता है। अगर कोई नंबर होता है और कोई ब्रैकेट होती है तो उसके बीच में क्या होता है, गुणा का निशान होता है। तो इसमें से अगर इसको हम घटाते हैं तो हमारे पास इसमें क्या बचेगा, इसमें -1 बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास इसमें -1 बचता है। अब फिर हम क्या लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट में से सबसे पहले हम इसमें क्या, देखो हमने इसको ब्रैकेट में सोल्व किया था, ऑफ तो है नहीं इसके अंदर, तो हमारे पास इसमें यहाँ इसमें डिवाइड है, क्या है डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो इसमें रखेंगे हम 30 को हम 3 से 10 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और गुना माइनस का हमारे पास इसमें ये आएगा, तो इसका माइनस का आंसर 3 आया। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर जरूर बताना इसका आंसर -3 ही आएगा क्या। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर जरूर करना। तो इससे संबंधित हम ऐसा ही क्वेश्चन और एक लेंगे। लास्ट में आपसे क्या है, एक SW क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर जरूर देना। तो क्वेश्चन हमारा अगला है 20 भाग में 5 भाग में यहां दिया गया है भाग, और 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे।
इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम इसमें, तो ब्रैकेट को अगर इसमें सोल्व करते हैं तो इसमें 20 भाग में कितना है 5 भाग में। अब ये दोनों नंबर किसके हमारे पास इसमें प्लस में दिया गया है, किसमें दिया गया है प्लस में दिया गया है, तो प्लस के कितने हो जाएंगे दोनों 5 हो जाएंगे। तो आप जल्दी से इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाकर इसका जल्दी से आप इसका आंसर देना, इसका आंसर क्या आएगा। तो एक दो सेकंड, दो चार सेकंड आप वीडियो को रोककर भी इसका कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको कहेंगे इसको इससे भाग, सबसे पहले हम सभी के नीचे इसमें एक एक डाल लेते हैं क्योंकि हम किसी भी नंबर को पी बटे क्यू के रूप में हम इसमें रख सकते हैं। तो इसको इससे भाग देंगे हम तो 20 बटा इसमें कितना आएगा 1, गुणा कितना करेंगे हम, एक ऊपर जाएगा नीचे कितना आएगा 5, इसी तरह हम इसमें एक ऊपर जाएगा नीचे कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो हम जिसमें भाग होती है उसमें हम अगर गुणा का निशान लगाते हैं तो नंबर इसमें हम पलट देते हैं, तो इस नंबर से काट देंगे हम इसको 5 चौका 20, तो 4 के साथ हम 1 गुणा करेंगे, 4 के साथ 4 एकम 4 और लास्ट में 5 आएगा, तो इसका आंसर यह आया। तो अब है मतलब इसमें आप वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब आपके लिए है एक HW क्वेश्चन की बारी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर उस आंसर का मतलब उसमें सॉरी उस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना। तो चलो हम कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप इसका आंसर जरूर देना। आपके लिए HW क्वेश्चन है 15 भाग में 3 और गुना है ब्रैकेट 10 भाग में 2 और माइनस का इसके अंदर 3। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर इसका आंसर आप जरूर देना। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के अंदर आप कमेंट के अंदर जरूर बताना आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, तो उसी को हम जरूर बनाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं, थैंक यू।